अस्सलाम वालेकुम छात्रों, कक्षा 8वीं विषय हिंदी कविता क्रमांक 8 कदम मिलाकर चलना होगा। प्यारे बच्चों, इस कविता के कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री भी हैं रह चुके हैं, उन्होंने आप जो है वो इस कविता द्वारा आपको यानी आप बच्चों को जो है वो एक संदेश देने की का प्रयास किया है। जो उनका कहना ये है के जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मतलब ज़िंदगी में चाहे हमें खुशियां हो या गम हो, हालात अगर जो है वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए छात्रों, देखते हैं कि इस कविता द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है। बाधाएँ आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, मतलब रुकावटें जितनी चाहे आ जाए, रुकावट हमारे रास्ते में जो है वो तूफान आ जाए, काले भयानक बादल जो है वो छा जाए, पाँव के नीचे अंगारे हों, सर पे बरसे यदि ज्वालाएं, यानी हमारे मुसीबतें जो है वो सर पर आग बनकर हमारे बरसे रहे, तब भी हमें जो है वो निज हाथों से हंसते हंसते अपने ही हाथों से हंसते हंसते इन सारी जो है वो बाधाओं को, रुकावटों को, मुसीबतों को आग लगाना होगा और हमें कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, बच्चों आपको जैसे पता है कि हमें जो है वो परिस्थिति जो है वो हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते, हमें जो है वो अपने अरमानों को, हमारे सम्मान को, अपमान को, सभी चीज़ों को जो है वो साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं कि हास्य रुदन में हंसना, ज़िंदगी में हंसना हो या रोना हो, तूफानों में तूफान हो, अमर असंख्य बलिदानों में, बहुत बार समय ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ों का देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्र संबंधियों के लिए हमें बलिदान, असंख्य बेशुमार हमें कुर्बानी बलिदान देना पड़ता है। उद्यानों में वीरानों में, चाहे बाग हो चाहे वीराना हो, अपमानों में सम्मानों में, चाहे हमारी हमारे जो है वो हमें अपमान मिल रहा हो या हमें सम्मान मिल रहा हो, हमें अपना सीना जो है वो उन्नत मस्तक उभरा सीना, हमें जो है वो हमारी इच्छाओं का जो है वो, हम कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषा हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता, महत्व है तो हमारे उद्देश्यों का है। हमें अपनी जो है वो अपना इन सारी मुसीबतों को जो है वो सीना तान कर जो है वो मुकाबला करना चाहिए और पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ाओं में यानी दुख में अगर चाहे हमें पलना हो, हमें जो है वो कदम मिलाकर चलना चाहिए। उजियारों में अंधकारों में, जीवन में बहुत बार परिस्थिति हालात ऐसे होते हैं बच्चों कि हमें हमारे जो है वो कुछ सुझाई नहीं देता, हमें अंधेरा, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, चारों तरफ अंधेरा है या फिर उजाला है, कुछ कछार में कल कछार में बीच धार में, आप जो है वो कभी जिंदगी ऐसा लगता है कि जो ध्येय हम लेकर चले थे, जो मकसद लेकर हम चले थे, उसे हम पा लिए, ऐसा लगता है कि अब हम किनारे पर आ गए हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ को पाने की कोशिश में लगे रहते हैं लेकिन हम उस चीज़ को नहीं पा पाते, नहीं पा सकते, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी नाव जो है वो डूब रही है। घोर घृणामय पूत प्यार में, नफरतों के बीच में हो या प्यार के बीच में हो, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, तुरंत मिलने क्षणिक यानी पल भर में मिलने वाली जीत अगर आपके किस्मत में है या दीर्घहार में यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती, आप किसी कार्य में हार जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में भी जीवन के सच्चत आकर्षक यानी आपके ज़िंदगी में सैकड़ों आकर्षक ने दिल लुभाने वाली चीज़ें होंगी, अरमानों को दलना होगा, हमें जो है वो हमारे अरमानों को जो है वो क्या होना कर कुचलना पड़ेगा और कदम मिलाकर चलना होगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी हार हो रही है, कि अंधेरे में है, हम प्यार में हैं, हमें नफरत मिली है, मुझे प्यार नहीं मिला, इसी सारी चिंताओं को विचारों को मन में ना लाते हुए अपने अरमानों को हमें कुचलना होगा और आगे बढ़ना होगा। सम्मुख पहला अगर धैर्य पथ, सामने जो है वो हमारे मकसद का रास्ता खुला हुआ है तो ऐसे में क्या होगा, प्रगति चिरंतन कैसे अति, अभी हमें जो है वो पुरानी चीज़ों को, पुराने चिरंतन मतलब पुरानी चीज़ों को का खात्मा करके हमें क्या करना पड़ेगा, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर बढ़ना होगा। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, मतलब खूबसूरत खुशी
में एक ऐसा जो है वो थका हुआ इंसान जो है वो जब थका हुआ इंसान अपने पथ पर चलता है, मंजिल पर पहुंचता है, तो उसकी सारी खुशी में वो उसकी थकान बदल जाती है। असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देखकर कुछ ना मांगते। मगर मनुष्य को कैसा होना चाहिए, चाहे उसे सफलता मिले असफलता मिले या उसकी उनकी ख्वाहिश पूरी हो ना हो, उन्हें जो है वो अपना सब कुछ देने की भावना रखनी चाहिए, ना कि कुछ मांगने की। पावस बनकर ढलना होगा, जैसे उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आपको जो है वो देने की भावना और लेने की भावना ना रखना, मतलब आपको जो है वो क्या बजना होगा, उसके लिए बारिश बनना होगा। जैसे बारिश जो है वो देती है, किसी से लेती नहीं है, और बारिश जो है वो बाद में क्या हो जाती है, पानी बनकर नदी बनकर क्या होती है, ढलना मतलब बहती है, और सारी और जो है वो धरती पर खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर देती है। तो उसी तरह से मनुष्य को भी जो है वो पावस बनकर मतलब बारिश बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बच्चों इस तरह से ये जो हमने मैंने शब्दार्थ लिखे हैं ये आपको देखकर लिखना है। इसके बाद मैं आगे कृति बताती हूँ। रुदन यानी विलाप रुलाई, उन्नत यानी ऊंचा श्रेष्ठ, कल यानी पार्श्व बगल, कछार नदी के किनारे की जमीन, क्षणिक क्षण भर रहने वाला, अरमान यानी इच्छा आकांक्षा, हर्षित प्रसन्न स्थल थका हुआ। यहाँ पर जो दो पंक्ति दिए हुए हैं उनके अर्थ मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले जो है यहाँ पर एक कृति है, इसमें एक आकृति है जिसमें से आपको झूम कर जोड़िए लिखना है। प्रलय घोर घटा, उन्नत बलिदान, असंख्य मस्तक उभरा सीना। एक वाक्य में उत्तर है आग की ज्वालाएं कहाँ बरसेंगी, तो कहाँ के स्थान पर आपको सिर पर लिखना है, सिर पर बरसेंगी। क्या बनकर ढलना होगा, तो क्या की जगह पे पावस बनकर ढलना होगा। यहाँ पर आपको जो है वो पाठ में पद्य में मतलब कविता में आए हुए कुछ विरुद्धार्थी विलोम शब्द विरुद्धार्थी शब्द है वो आपको बता रही हूँ। अपमान सम्मान रुदन हास्य आग पानी सिर माओ अहंकार प्रेम उद्यान वीरान सफल असफल क्षणिक दीर्घ, ये आपको विलोम शब्द है जो लिखना होगा। अब मैं आपको इसके उत्तर अर्थ बताती हूँ। अरमानों को दलना होगा, इसका उत्तर है कवि कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिला के आगे ही आगे बढ़ते रहना है। इसके लिए हमें अपने अरमानों को अपनी अभिलाषाओं को यानी ख्वाहिशात की परवाह नहीं करना चाहिए। कवि का कहना है कि हमारी अभिलाषाएं मतलब हमारी ख्वाहिशात हमारी इच्छाएं आरजुएं का कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई उसकी अहमियत नहीं है। तो फिर अहमियत किस बात की है, तो महत्व है हमारे उद्देश्यों की, मतलब महत्व है अहमियत है हमारे मकसद की। इसके लिए यानी अपने मकसद को पाने के लिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं को ख्वाहिशात को तिलांजलि देनी होगी, मतलब उसको हमें जलाना होगा। दूसरा है पीड़ाओं में पलना होगा, तो इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। सुख के दोनों दिनों में मनुष्य प्रसन्न रहता है, उसके सारे कार्य व्यापार सुचारू रूप से चलते रहते हैं। मतलब जब इंसान खुश रहता है तो उसका जो है वो खुश रहता है, अच्छे दिनों में वो खुश रहता है, उसके सारा जो कारोबार है वो अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन जब मनुष्य के दुख के दिन आते हैं तो उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है। मतलब जब उसके कुछ तकलीफ के दिन आते हैं तो उसको तकलीफ ही तकलीफ दिखाई देती है, और वो कष्टों में मतलब तकलीफों में घबरा जाता है। जबकि मनुष्य को सुख और दुख दोनों स्थितियों का सामान्य बना रहना चाहिए। यानी जैसे आपने खुशियों को जैसे आप समय आपने बिताया, वैसे दुख का भी आपको सामना करना चाहिए। सुख के दिनों के दिन भोगने का आनंद लिया है तो दुख के समय में भी उसी के तरह से सीना तानकर हिम्मत के साथ जीने की दम्भ भरना चाहिए। सुख के बाद दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख, यही मनुष्य का क्या है जीवन चक्र है। इसलिए दुख से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि दुख से का भी सुख की भांति ही स्वागत करना चाहिए। तो बच्चों इस तरह से आपको ये प्रश्न उत्तर और ये स्वाध्याय लिखना है, कृति लिखना है और आपको पोस्ट करना है। इंशाल्लाह जूम पर हम जब मिलेंगे तो मैं कुछ मुख्य अहम इम्पोर्टेंट जो है वो व्याकरण भाषा का आपको बताऊंगी। अल्लाह हाफिज़।